मनोरुग्ण का पुनर्वसन कैसे करें, इसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मनोरुग्ण जो होता है, मेंटल पेशेंट्स, तो जो पुराने मरीज हो जाते हैं, मतलब जो 5 साल, 4 साल, 10 साल से बीमारी चालू है, दवाई लिया तो अच्छे रहते हैं, कभी कभी दवाई लेने के बाद में भी वायलेंट होना, एक्साइट होना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना, मारपीट करना, घर में कंट्रोल नहीं होना, ऐसे रहते, घर के लोग भी तंग आ जाते हैं और घर के वातावरण में वो ज़्यादा ही होते रहते हैं। तो वो लोगों के लिए हमने एक रिहैब सेंटर चालू किया है, पुनर्वसन केंद्र, सन्मित्र मानस हॉस्पिटल तथा व्यसन मुक्ति केंद्र अकोला में। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि ऐसे जो मरीज है, जो पुराने हैं, जिनको दवा चालू है, कुछ लोगों को दवा भी नहीं है, मगर हमारे यहाँ अच्छे रहते हो, हमारे वातावरण में अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्टिव रहते हैं। काफ़ी सारे मरीज वहाँ हैं, उनका सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बना हुआ है, सुबह उनको उठना ही पड़ता है, फिर नाश्ता, फिर टीवी देखना, फिर सम्मोहन, मेडिटेशन, फिर खेल खेलना, ऐसा पूरा उनका शेड्यूल बना रहता है। तो वो सब मिलके काम भी करते हैं, तो ऐसे इसमें वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, डिमांडिंग नेचर किसी का रहता नहीं है, तो अच्छे रहते हैं और वो हमारे यहाँ अच्छे भी होते हैं। अच्छे होने के बाद फिर हम उनको घर भेजते थे। कुछ लोगों के साथ में रिलेटिव्स को रहना मुश्किल हो जाता है, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है वो डूब जाती है। बोलते हैं हम पेशेंट को अकेले रखते, उनका इलाज करो, हमको इतला करो, इन्फॉर्म करो, हम आके लेके जाएंगे। कुछ लोगों के यहाँ ऐसे मेंटल पेशेंट्स हैं कि जहाँ उनके यहाँ शादी है, अभी अभी 2 पेशेंट ऐसे एडमिट हुए कि अगले महीने में उनके यहाँ शादी है, ये मानसिक रुग्ण है, वायलेंट हो जाता है। फिर दूसरा जो हमारे यहाँ पेशेंट ला के रखा, वो मंदबुद्धि का है, वो कहीं भी पेशाब करेंगे, कहीं भी लेटरिन कर देंगे घर में, अब घर में मेहमान आने वाले हैं, शादी है, तो फिर उसकी केयर लेना ज़रूरी है। तो ऐसे पेशेंट्स है, मतलब एक तो रिलेटिव्स रह नहीं सकते हैं, या घर में उनको रखना प्रॉब्लम है, या फिर कभी रिलेटिव्स को, मतलब घर वालों को बाहर गाँव जाना है, टूर करना है, पिकनिक जाना है, तभी उनको ऐसा पेशेंट लेके जाना मुश्किल है और घर में भी अकेले रखना मुश्किल है। तो ऐसे पेशेंट को हमारे यहाँ रख देते हैं, हमारे यहाँ अच्छे रहते हैं, वो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनको छुट्टी कर देते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहलिक जो है, शराबी, उनका क्या है कि उनको उनके वातावरण से निकालना जरूरी है, जो वातावरण रहता है, एटमॉस्फेयर, क्योंकि उनका वो सब पीने वाले लोगों का, शराबी लोगों का वातावरण है, वो उनको रोज़ मिलेंगे। और शराबी का क्या होता है कि उसको जो विड्रॉल आ जाता है, कि एक बार वो सुबह से टाइम पास तो कर लेंगे, दोपहर को, शाम तक उसको ऐसा लगता है तक के भी जाके पीना चाहिए, और उसमें फिर वो किसी ना किसी का फ़ोन आ गया, या किसी कोई ना मिल गया कोई आदमी, उसका दोस्त, कि चल भाई ले ले, मैं तेरे को पिलाता हूँ, या फिर वो कुछ भी कर लेंगे और जाके पी लेंगे। और नहीं पिया तभी घर के लोग बोलेंगे आज पी के आया क्या, क्योंकि आज तुम ज़्यादा गुस्सा करने लगे, ऐसा कुछ भी, तो फिर उसको लगता है कि यार मैं पिया भी नहीं हूँ, तभी भी क्या कर रहा, फिर जाके पीता, मतलब कुछ तो भी कारण है और वो पी लेंगे, क्योंकि ऐसा बोलते कि पीने वाले को पीने का बहाना ही चाहिए। तो हम बोलते भाई उनको उनके सिचुएशन से निकालो, हमारे यहाँ रखो, हम उनको 1 महीना भर रखेंगे, हमारे वातावरण में उनकी रेगुलर मीटिंग होती है, उनकी प्रार्थना होती है, उनको जो 12 स्टेप्स है शराब छोड़ने की वो सिखाई जाती है, और उनके साथ में साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग भी करते हैं हम, और उसमें उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उनको हम दवाई देते हैं, जो दवाई लेते हैं तो उनको ये लगता है कि मैंने दवाई लिया, और वो दवाई का ऐसा है कि दवाई लेते हैं उसके ऊपर शराब पीते नहीं तो कुछ नहीं होता, मगर शराब ले लिया तो उसकी बहुत रिएक्शन हो जाती है, उल्टियाँ होना, गर्म लगना, बुखार आ जाना, खुजली आना, ब्लड प्रेशर नीचे गिरना, पसीना आना, ऐसे एकदम रिएक्शन आती है, उसको लगता है कि भाई घबराहट, बेचैनी इतनी होती है, उसको लगता है मर जाऊँगा मैं, तो वो डर के मारे फिर वो लेता ही नहीं। तो ऐसे शराबी जो लोग हैं, फिर गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, ऐसे एडिक्ट लोग हैं, तो उनको भी इलाज हम करते हैं। कुछ कुछ लोग जो अफीम लेने वाले होते हैं, उनके लिए भी जो नई गोली निकली हुई है, जो कॉम्बिनेशन है बुप्रेनॉर्फिन और नाइलट्रॉक्सन इसकी, तो वो कॉम्बिनेशन हम देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन की गोली देने के बाद में उनको अच्छा लगता है, उनको जो क्रेविंग होता है अफीम लेने का या ब्राउन शुगर लेने का, वो क्रेविंग खत्म हो जाता है, धीरे 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 दवाई बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ भर्ती करते हैं। कुछ लोग बूढ़े लोग हैं कि जिनको डिमेंशिया हुआ है, और डिमेंशिया है तो भुलक्कड़पना है, घर में वापस आते नहीं हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, फिर घर में भी ऐसा ऑकवर्ड व्यवहार करेंगे,
मतलब कहीं भी कपड़े निकाल देंगे, अब घर में लेडीज रहती है, कहीं कपड़े निकाल देंगे, किसी को लेडी को हाथ लगा देंगे, तो उनको घर में रखना मुश्किल हो जाता है। घर में मतलब आदरणीय व्यक्ति है भाई, खुद के पिताजी है या माँ है, और उनको घर से कहाँ रखे फिर अभी। तो फिर उनको भी हमारे यहाँ रखते हैं, उनको टैबलेट देते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वो रखते हैं हमारे यहाँ और उनका इलाज करते हैं। तो ऐसे कभी रुग्ण होंगे तो ज़रूर हमारे यहाँ आइएगा, हमारे नंबर नीचे दिए हुए, उसके ऊपर आप संपर्क करो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों के घर में, 100 में से 1 व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया होता है, 100 में से 1 व्यक्ति को उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्किजोफ्रेनिया होने वाला है, और 0.33%, मतलब 100 में से 0.33, वो लोग अच्छे होने वाले नहीं है स्किजोफ्रेनिया के, उनको कुछ भी दिया तभी। अब ये लोगों का प्रॉब्लम है और वो बहुत तादाद में है, तो उनका भी इलाज करना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और लोगों का जीवन अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा वातावरण। और जो पेशेंट के साथ में रह सकते नहीं है, उनको हम रख के उसका इलाज करके वापस भेज देते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनकी रोजी रोटी डूबती नहीं है, वो कमाते हैं उधर, उनका डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और पेशेंट का इलाज भी हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग एंड लाइकिंग, थैंक यू।